नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। देखिए, हमारे पास डेल कंपनी का लैपटॉप बनने के लिए आया हुआ ये है। ले गए लैपटॉप, दिखाइए। ये लैपटॉप है डेल का ही। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब इसको हम ऑन कर रहे हैं ना, देखिए हम ऑन करते हैं, इसको हम ऑन कर रहे हैं तब हमारा चार्जर पीछे लगा दिया हमने है, और उसके बाद जो है हम इसको यहाँ से स्विच दबा करके, देखिए ऑन हो गया, लाइट जल गया ये, और देखिए ऑन हो गया। और देखिए प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको मैं, उसको बता दूँ। देखिए डेल लिख के आ गया है, डिस्प्ले आ चुका है और आगे बढ़ रहा है ये, और देखिए स्क्रीन पे आ रहा है ये, और आने के बाद में लिख के आ रहा है स्टार्टिंग विंडोज़। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं, मैं बता दूँ प्रॉब्लम क्या होता है। देखिए फिर यहाँ से क्या, वो रिसेट हो चुका, मतलब बंद हो चुका कंप्यूटर, लैपटॉप मेरा जो है फिर दोबारा जो है वही प्रोसेस पे आ रहा है। ठीक है, देखिए ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ, मैं आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम ही अगर आता है, इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। फिर देखिए मेरा लैपटॉप वो स्टार्ट हुआ, और फिर आ रहा है ये लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर रिकमेंडेड स्टार्ट विंडो नॉर्मली। इस पर क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पर एंटर कर दिया मैंने, और देखिए ये एंटर कर दिया मैंने, और उसके बाद वेट करता हूँ आगे क्या प्रोसेस होता है। और देखिए, और ये यहाँ पे आया, फिर ये मेरा लैपटॉप जो है रिस्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब वहीं से दोबारा चालू हो चुका है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताता हूँ मैं, कि कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लगाना नहीं है, विंडो रिपेयर करना कुछ नहीं करना। फिर देखिए, फिर मैं करके दिखा देता हूँ आपको। फिर मैं करता हूँ, क्लिक करता हूँ एरो की से, और उसके बाद फिर मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ से, फिर एंटर करता हूँ। तो देखिए फिर आ रहा, फिर यहाँ पर रुका ये, और फिर रिस्टार्ट हो चुका। अब क्या करना है आपको, बायोस में जाना है। देखिए F2 से ये बायोस में जाता है ये। ठीक है, आप जाएंगे F2 है ये, लिखा लिखा हुआ F2 लिखा हुआ है, इसको प्रेस करके F2 से हम जाएंगे बायोस में। बायोस में आ चुके हैं, और इस पर क्लिक करेंगे, और देखिए इसमें बहुत सारी सेटिंग दी हुई है, मेन एडवांस सिक्योरिटी बूट एग्जिट यहाँ दिया हुआ है। अब इसमें जाएंगे हार्ड डिस्क के अंदर, एक सेटिंग होता है ATA और ACHI, यहाँ जाते हैं सिक्योरिटी के अंदर, एडवांस के अंदर देखिए ये दिया हुआ है, ये SATA ऑपरेशन। ठीक है, ASCII ऑप्शन दिया हुआ है, और इस पर क्लिक करेंगे हम, यहाँ नीचे आते हैं, और यहाँ ASCII दिया हुआ है, इसको क्लिक कर एंटर करेंगे, और दिया हुआ ATA, इसको हमको सिंपली यहाँ से ATA पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, ATA पे क्लिक कर देना है। क्या होता है ना कि हार्ड डिस्क का जो प्रोटोकॉल होता है चेंज, वो सेटिंग करने का, तो किसी किसी जो नए नए आते हैं, तो जैसे कि जो नया Windows 10 आ गया उसमें ACHI सपोर्ट करता है, और Windows 7 वाले में ATA सपोर्ट करता है, तो मैं इसको ATA सपोर्ट कर लेता हूँ ATA करके, और उसके बाद जो है हम यहाँ से इसको एग्जिट करते हैं, इसको एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद में हमने यहाँ से इसको देखिए सेव करके निकल जाते हैं। ठीक है, हमने सेव कर दिया और सेटिंग चेंज कर दिया दोस्तों। तो अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होते नहीं होता है। ठीक है, अब सिंपल तरीके से इसको वेट कर लेते हैं बूट करने के लिए। तो देखिए अब लिख के फिर ये आ चुका है, तो हम क्या करते हैं, नीचे सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर इसमें हम एंटर कर देते हैं, और ये जो प्रोसेस देखिए बढ़ रहा है, अब देखिए आ गया है, और इस तरीके से, और ये देखिए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के बताऊँ आपको, विंडो 7 आपके लैपटॉप में लोडेड है, तो या विंडो XP लोडेड है, तो कभी कभी प्रॉब्लम ये वाला आता है। तो इसको क्या होता है ना, कभी लैपटॉप का जब CMOS बैटरी होता है, वो बैटरी ख़राब हो जाता है, इसके वजह से वो सेटिंग चेंज हो जाती है। अब देखिए ये ऑप्शन, देखिए ये लैपटॉप खुल गया, यहाँ पर क्लिक कीजिए, अब देखिए ये जो खुल के आ रहा है ये। ठीक है, देखिए लैपटॉप खुल गया ये। ठीक है, सिंपल तरीके से देखिए मेरा लैपटॉप फिर ये ऑन हो चुका है ये। तो सिंपल तरीके से आप जो है, मतलब इसी के लिए दुकानदार पर जाते, दुकानदार आपसे लेता है लैपटॉप, उसके बाद करता है कि 500 खर्चा हो गया, 1000 खर्चा हो, 2000 खर्चा हो गया, ये खराब वो खराब है। तो सिंपल तरीके से वीडियो को देख करके आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, और आपका पैसा बच सकता है दोस्तों। तो एक सिंपल सेटिंग करके जो है विंडोज जो लिख क्या रहा था, विंडोज नॉर्मली प्रॉब्लम करके वो सॉल्व हो चुका है। तो अगर आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में अगर प्रॉब्लम आता है, तो हार्ड डिस्क की सेटिंग होती है बायोस के अंदर, वहां जाकर के आप कर सकते हैं, और आपका पैसा बच जाएगा, वरना दुकानदार आपको चूस लेगा, बच करेगा दोस्तों। वीडियो पसंद अगर आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए क्या वीडियो बना सकते हैं। वीडियो जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे किसी एपिसोड में, टॉपिक साथ में, तब तक आप लोग को।